सत श्री अकाल जी का खालस टीवी देखने वाले देश दुनिया के साडे सारे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। पंजाब दीआं खास खबरां दे खास बुलेटिन दे नाल मैं हरशरण कौर। अज 7 फरवरी है, दिन सोमवार है। खबरों के विस्तार तो पहला तुहानू खास ते वड्डियां खबरां दस दिंदे आं। अज दी सब तो वड्डी खबर यही है कि पंजाब दे विच अज तो स्कूल कॉलेज खुल जाणगे। पंजवीं जमात तक दे स्कूल बंद रहणगे, छेवीं तो बारहवीं तक दे खुलणगे। कॉलेज यूनिवर्सिटियां सारे खुल जाणगे नवें दिशा निर्देशां दे नाल। किसान जथेबंदियां ने इस नूं संघर्ष दी जित दस्या है। अज प्रायमरी स्कूल खोलण दे लई वी पूरे पंजाब दे विच रोस मुजहरे कीते जाणगे। किसानी मंगां पूरियां ना होण ते वी संघर्ष की चेतावनी दित्ती है। वख वख किसान जथेबंदियां ने कल बैठक कीती, उस तों बाद इह ऐलान कीता गया। ते अज किसानां दे वल्लों पहली जमात तों लैके पंजवीं जमात तक दे स्कूल खुलवाउण दे लई 2 घंटे सड़कां जाम रखियां जाणगियां, 12 बजे तों लैके 2 बजे तक। ते इसे तरह अज पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ दे विच वी दुपहरे 12 बजे BC दफ्तर दे सामने ललकार जथेबंदी समेत होर विद्यार्थी जथेबंदियां दे वल्लों अर्थी फूक मुजहरा कीता जाएगा। किसान जथेबंदियां दे सद्दे ते ही इह मुजहरा कीता जा रहा है। सारे बोलो स्कूल कॉलेज खोलो दे नाम तहत इह प्रदर्शन कीता जाएगा, क्योंकि पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ भी कोरोना की आड़ तहत बंद है। सुरां दी मलका अते भारत दी कोयल लता मंगेशकर भावें सदा लई खामोश हो गए ने, पर उन्हां दी आवाज़ सदा गूंजदी रहेगी। लता मंगेशकर दा कल मुंबई दे शिवाजी पार्क दे विच सरकारी सन्मानां दे नाल अंतिम संस्कार कीता गया। प्रधानमंत्री मोदी भी श्रद्धांजलि भेंट करन दे लई मुंबई पहुंचे। केंद्र वल्लों 2 दिनां दे सरकारी सोग दा ऐलान भी कीता गया। पंजाब पहुंचे राहुल गांधी ने कल चरणजीत सिंह चन्नी नूं कांग्रेस पार्टी वल्लों मुख्यमंत्री दा चेहरा ऐलान दिता है। हालांकि नवजोत सिंह सिद्धू दे पंजाब मॉडल दी काफ़ी तारीफ कीती। चरणजीत सिंह चन्नी नूं चेहरा ऐलाने जाण तों बाद अकाली दल ने जिथे निशाने साधे ने कि रेत माफिया दी जित होई है, उत्थे आम आदमी पार्टी ने भी कहा है कि चन्नी नूं मुख्यमंत्री चेहरा ऐलाने जाण नाल कोई फर्क नहीं पवेगा, जित आम आदमी पार्टी दी ही होएगी। उधर ED दे वल्लों मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी दे भाणजे हनी तों पुछ पड़ताल लगातार जारी है। जानकारी मिली है कि पुछ पड़ताल दे विच इह गल सामने आई है कि जिहड़े टिकाणियां ते ED ने छापे मार के 10 करोड़ दी रकम बरामद कीती सी उह हनी दी ही है। हालांकि इस मामले की जांच कर रहे अधिकारियों ने अधिकारित तौर पर इसकी पुष्टि नहीं की, पर सूत्र दसते हैं कि हनी कोलों ED के अधिकारी सख्ती नाल पुछगिछ कर रहे हैं। चोन कमिश्न ने रोड शो, पैदल यात्रा, साइकिल ते वाहन रैलियां दे उत्ते पाबंदी भावें वधा दित्ती है, पर इनडोर ते आउटडोर रैलियां दे विच होर छोट दे दित्ती गई है। रात 8 बजे तो लैके सवेरे 8 बजे तक चोन प्रचार ते पाबंदी जारी रहेगी। फरीदकोट पुलिस ने चोन अधिकारी की लिखती शिकायत मिलने तों बाद श्रोमणी अकाली दल के प्रधान सुखबीर सिंह बादल अते यूथ अकाली दल के प्रधान परमवंत सिंह बंटी रुमाणा के खिलाफ चोन जाबते ते COVID-19 के नियमों की उलंघना करने के दोषों तहत परचा दर्ज किया गया है। एक दिन पहला फरीदकोट की दाणा मंडी के सुखबीर बादल ने बंटी रुमाणा के हक में चोन रैली की सी। इस रैली के 6,000 तो वध लोग कट्ठे हुए सी, जबकि चोन कमिश्न के मुताबिक 1,000 तो वध लोग कट्ठे नहीं किए जा सकते। कांग्रेस ने UP चोणां दे लई भी स्टार प्रचारकों की सूची का ऐलान कर दिता है। इस दे विच ना सोनिया गांधी का नाम शामिल है ते ना ही नवजोत सिंह सिद्धू का, जबकि मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी का नाम शामिल है। बहुजन समाज पार्टी की प्रधान मायावती कल तो पंजाब दे विच चोण प्रचार करन दे लई पहुंचणगे। 8 फरवरी नूं नवां शहर दी दाणा मंडी विच बसपा अकाली दल गठजोड़ दे उम्मीदवारां दे हक विच रैली करके पंजाब तो चोण प्रचार शुरू करनगे। पंजाब दे लुधियाणा पहुंचे राहुल गांधी दा 1984 कतलेआम पीड़ितां ने विरोध करन दी कोशिश कीती, पर पुलिस ने उन्हां नूं रैली वाली थां जाण नहीं दित्ता ते पुलिस दे नाल झड़प होई। 1984 सिख कतलेआम दे पीड़ित फिरोजपुर रोड ते कांग्रेस पार्टी दे समागम दे बाहर मुजहरा करन जा रहे सी तां पुलिस ने उन्हां नूं जबरी रोक लिया। दुगरी नहर दे पुल नेड़े इन्हां नूं रोक के वाहन कब्जे दे विच लै लए, जिस तों बाद रोस विच आए कतलेआम पीड़ितां ने सड़क ते ही धरना दे दिता अते राहुल गांधी अते अजय माकन दे पुतले फूक के नारेबाजी कीती। इस मौके आवाजाई भी कुछ समा ठप रही। पीड़ितां ने कहा कि कांग्रेस सिख विरोधी है, जिसने सचखंड श्री दरबार साहिब ते तोपां नाल हमला करके दिल्ली समेत देश दे वख-वख हिस्सियां दे विच साजिश तहत निर्दोष सिखां दा कतलेआम करवाया, धीआं भैणां दी इज्जत रोल के करोड़ां रुपए की जायदाद नूं भी नुकसान पहुंचाया। ते जिहड़े कांग्रेसी लीडरां ने उस कतलेआम दे विच शमूलियत कीती सी उन्हां नूं पंजाब विधानसभा चोणां दे स्टार प्रचारकां दी सूची विच कांग्रेस ने शामिल करके सिखां दे जख्मां ते लूण छिड़किया, जबकि पीड़ित परिवार इंसाफ दे लई अज वी दर दर दीआं ठोकरां खाण लई मजबूर ने। चोण प्रचार कर रहे प्रगट सिंह ने इल्जाम लाया कि बादलां दी मोदी दे नाल यारी पहलां नालों भी पक्की हो गई है। श्रोमणी अकाली दल ते BJP दे नाल मिले होण दा दोष लाया है।
जबकि अमृतसर पहुंचे केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि श्रोमणी अकाली दल नाल मुड़ समझौते की संभावना ही नहीं है। पंजाब दीआं खास खबरां दे खास बुलेटिन दे विच तुहानूं कुछ होर खबरां विस्तार नाल दसदे आं। पंजाब दे विच सोमवार यानी कि 7 फरवरी तो सूबे दे स्कूल कॉलेज ते होर विद्यक अदारे खोल दिते जाणगे। पंजाब सरकार ने नवें हुक्म जारी कर दिते ने जिस नाल लोकां नूं जरूर राहत मिलेगी। 6वीं तो उतलियां सारियां स्कूल दीआं जमातां खुल जाणगियां। कॉलेज ते होर विद्यक अदारे खुल जाणगे। नियमां दी पालणा करनी लाजमी होवेगी। हालांकि हले छोटियां जमातां दे स्कूल नहीं खुलणगे पर आउंदे दिनां च ओह वी खोल दिते जाणगे। सरकार ने हुक्म चाड़िया कि स्कूलों ते कॉलेजों नूं रोज़ाना सैनेटाइज किया जाए। स्कूल ते कॉलेज विच आउण वाले सारे स्टाफ दे दोवें टीके लगे होने जरूरी ने। मुकम्मल टीकाकरण का मतलब तो यह भी बनता है कि बूस्टर डोज भी लई होनी जरूरी है, पर सारे अध्यापक इस दे नाल सहमत नहीं हन। 15 to 18 साल के विद्यार्थियों के करोना का एक टीका लग्या होना चाहिए। विद्यार्थियों के सिर ते भी टीके का डंडा जिहड़ा उह दे दिता गया। इस दे नाल ही पंजाब सरकार ने सूबे के सारे बार सिनेमाघर ते शॉपिंग मॉल्स नूं भी 75% समर्था नाल खोलण की इजाजत दे दिती है। सूबे विच अंदरले इकट्ठां दे विच 500 जने शामिल हो सकते ने। बाहरी इकट्ठां दे विच 1000 तक लोग ने जिहड़े उह शामिल हो सकते ने, पहुँच सकते ने। सरकार ने तो भावें करोना पाबंदियों के ढिल दे दिती है, पर चोण कमिश्न ने सियासी लीडरां नूं सियासी पार्टियां नूं रैलियां करन दी ढिल नहीं दिती। चोण कमिश्न ने विधानसभा चोणां दे प्रचार लई रोड शोज, पैदल यात्रा, साइकल ते वाहन रैलियां ते लाई पाबंदी नूं वधा दिता है, पर सियासी मीटिंगां दे नियमां विच ढिल दिती है। कमिश्न ने कहा कि खुलियां बैठकां, बांदे इमारतां विच इकट्ठ करन ते रैलियां करन संबंधी पाबंदियां दे विच ढिल दिती गई है। बंद थावां ते समर्था जिहड़ी है उह 50% इकट्ठी कीती जा सकती है। खुले मैदान विच 30% समर्था नाल लोक शामिल हो सकते ने। घर घर प्रचार करन दे लई वध तों वध 20 जणियां दी हद पहलां वांग ही जारी रहेगी। 20 तों वध लोक डोर टू डोर नहीं जा सकते। रात 8 बजे तो सवेरे 8 बजे तक चोण प्रचार करन ते पाबंदी रहेगी। पंजाब, उत्तराखंड, गोवा, मणिपुर अते यूपी दे विच इह जिहड़ियां पाबंदियां लागू कीतियां गईआं ने। हुण गल करदे आं पंजाब दे विच कांग्रेस दे मुख मंत्री दे चेहरे दी। पंजाब दे विच ऐतवार नूं सब तों वड्डी सियासी घटना इही सी कि कांग्रेस ने किस नूं चन्नी ते सिद्धू दे विचों किस नूं CM चेहरा ऐलानणा है। सारियां दीआं नज़रां टिकियां होईआं सी। पंजाब दा शायद सियासत दे नाल तालका रखण वाला हर बंदा सवेर तो ही TV देख रहा सी, वैब TV देख रहा सी, अते सारा जिहड़ा पत्रकार कुनबा उह वी अपनी छुट्टी रद्द करके पहुंचिया होया सी लुधियाणे, जिथे राहुल गांधी रैली करन दे लई पहुंचे सी। हालांकि काफ़ी सशोपंज दे विच पाई रखिया मीडिया नूं भी, कांग्रेस दे वर्करां नूं भी 2 घंटे लेट राहुल गांधी पहुंचे रैली वाली थां ते। हालांकि पंजाब दे विच तां 11:15 पहुंच गए सी, पर उस तो बाद लुधियाने एक होटल दे विच चले गए। नाल मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी, कांग्रेस प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू, साबका कांग्रेस प्रधान सुनील जाखड़, ये चारे लीडर पता नहीं कई घंटे की खिचड़ी पकाते रहे ते अखीर ते नाम निकल के सामने आया। राहुल गांधी ने ऐलान कर दिता कि पंजाब दे विच कांग्रेस का मुख्यमंत्री चेहरा चरणजीत सिंह चन्नी होणगे। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि साडे वर्करां ने मैनू बहुत मुश्किल काम दिता, कांग्रेस पार्टी के लीडरां नू हीरे भी दस्या। नाल ही कई अगलियां पिछलियां गल्लां भी कीतियां। नवजोत सिंह सिद्धू की काफ़ी तारीफ की, पर अखीर ते नाम जिहड़ा अनाउंस किया गया वह मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी का ही किया गया। दस्या कि पंजाब के लोगों की इच्छा के मुताबिक गरीब घर का बंदा ही मुख्यमंत्री का चेहरा होएगा। फैसला लेना सौखा सी, पर लोगों ने कहा कि सानू एक गरीब घर का मुख्यमंत्री ही चाहिए, तुसी ये फैसला सौखा बना दिता। नेताओं ने मुझे एक बहुत मुश्किल काम दे दिया। कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं वो हीरे हैं। पंजाब के लोगों ने कहा हमें गरीब घर का चीफ मिनिस्टर चाहिए। जो गरीब व्यक्तियों के दिल में घबराहट होती है वो उसे समझे, क्योंकि पंजाब को उस व्यक्ति की जरूरत है। मुश्किल डिसीजन था, आपने आसान बना दिया। पंजाब के चीफ मिनिस्टरियल कैंडिडेट चरणजीत सिंह चन्नी जी,
चेहरा ऐलाने जाने तो बाद वड्डी जिम्मेदारी मिलने तो बाद चरणजीत सिंह चन्नी ने सब तो पहला परमात्मा का धन्यवाद किया। कहा बहुत वड्डी लड़ाई है, मैं कल्ला तो लड़ नहीं सकता, सारिया ने असी कट्ठे होके लड़नी है ते पंजाब दे लोकां दे सिर ते ही ये लड़ाई मैं लड़ सकना, पंजाब दे लोग ही मेरी हिम्मत ने, विश्वास भी दवाया कि मैं इस कंबली ते दाग नहीं लगन देंगा, गलत पैसा अपने घर नहीं आन देंगा। नवजोत सिंह सिद्धू का मॉडल ही पंजाब दे विच लागू होगा, जो सिद्धू चाहणगे वह हुण होगा। सुनील जाखड़ जी का पंजाब की सारी लीडरशिप का ते पंजाबियों का धन्यवाद करदा, ये बहुत बड़ा कार्ज है जेड़ा मैं कला नहीं कर सकता, ये मेरे बस का काम नहीं है। मुख्यमंत्री दी लड़ाई लड़ना ये मैं पंजाब के लोगों के सिर ते ही कर सकता है, ना मेरे पास पैसा है कि मैं एडा बड़ा इलेक्शन लड़ सका, ना मेरे पास इनी हिम्मत, मैनू हिम्मत पैसा सारा कुछ, हर लड़ाई पंजाब के लोग लड़नगे ताही ये कामयाब हो सकता है। लेकिन मैं एक विश्वास जोड़ना चाहना है, एक विश्वास जोड़ना चाहता है कि मैं इस कंपनी ते दाग नहीं लगन देवांगा, कदे कोई गलत काम नहीं करांगा, ट्रांसपेरेंसी रहेगी, गलत पैसा अपने घर नहीं आन देवांगा, ये मैं विश्वास दवाना है। सरदार नवजोत सिंह जी थोड़ा मॉडल हुण लागू होएगा, जो तुसी करना चाहते हो तुसी करोगे, जो जाखड़ साहब सारी लीडरशिप तुहाडी सोच अज पंजाब नूं अगे लेके जाएगी। हालांकि कांग्रेस के वलों मुख्यमंत्री चेहरे का ऐलान काफ़ी ड्रामैटिक रहा, जिस तरीके दे नाल उड़ीक करवाई गई, विरोधी जिहड़े लीडर ने उन्हां दे ऐलान ते ऐलान आउंदे गए ते चेहरा ऐलाने जाण तो एक दिन पहला, उस तो बाद उस दिन ऐतवार नूं ऐलाने जाण तो पहला की कुछ होया, सब कुछ नूं देख के लग रहा सी कि पता नहीं कांग्रेस ने चेहरा ऐलानना है जां फिर नहीं, इसे तरह जेब च पा के तुर जाणा राहुल गांधी ने, पर आखिरकार चेहरा ऐलान दिता गया। पर जिस तरह दी स्टेज दे उत्ते पहलकदमी दिख रही सी, जिस तरह दे संकेत मिल रहे सी, लोगों नूं लगदा सी कि शायद नाम बदल के नवजोत सिंह सिद्धू दा आ गया, क्योंकि नवजोत सिंह सिद्धू दी जिस तरीके दे नाल जो शीली तकरीर सी अते चरणजीत सिंह चन्नी दा जिवें मायूस चेहरा सी, उस नूं देख के संकेत लग रहे सी कि शायद नवजोत सिंह सिद्धू दा नाम होवेगा। खैर मुख्यमंत्री चेहरे दे ऐलान तों पहलां नवजोत सिंह सिद्धू नूं भी स्टेज ते बोलण दा मौका दित्ता गया ते सिद्धू ने उही अपने शायराना अंदाज दे नाल भाषण दी शुरुआत कीती ते अपने भाषण दे विच सैकड़े वार उन्हां ने शेरो शायरी कीती ते सब तों पहला शेर जिहड़ा बोलिया उहदी इक लाइन सुणा दिंदे आ कि मैं सूरज हूँ उजाला चीर के रोज़ निकलूँगा। हालांकि सिद्धू ने वारी वारी ये कहा कि मैनू ना कोई लालसा सी ना कोई चाह है, मेरा इश्क सिर्फ पंजाब है, कहिंदे मुख्यमंत्री दा अहुदेदार ऐलानण दी घड़ी है, कांग्रेस दा कल्याण चाहीदा, पंजाब दा कल्याण कांग्रेस दे राही ही हुंदा, कहिंदे इस वारी असी हीरे तराशांगे, पत्थरां पिछे समां खराब करना नहीं असी करांगे। 17 साल इस गल दा प्रमाण है कि नवजोत सिद्धू पंजाब दे लोकां दे जीवन दी बेहतरी वास्ते ज्यों के गया, मेरे ते कोई दाग नहीं है। तो सिद्धू ने अपने भाषण में वारी वारी ठोको ताली कहा, लोगों को कहा कहा के तालियां भी मरवाइया। अपनी तकरीर दे विच सिद्धू ने जिथे पंजाब मॉडल की गल की उत्थे नाल ही विरोधियों नूं भी रगड़े ला दिते, बादल परिवार को खूब घड़ीसिया कि पंजाब दे विच ऐतकी जिहड़ा हैगा लोग कहिंदे ने कोठे ते तोता बहन नहीं देना, जीजा साला रहन नहीं देना, ते नाल ही ललकारिया बिक्रम मजीठिए नूं अमृतसर पूर्वी सीट तों कि गिदड़ां दा फिरदा ग्रुप टुरिया, कहिंदे सिद्धू शेर मारना। ते जदों मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी जिहड़े नाल ही बैठे सी स्टेज ते जदों मुस्कुराए तां सिद्धू ने कहा कि चन्नी साहब ताड़ी मार लो जे मारन नूं जी करदा, ते फिर मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने ताड़ियां भी मारियां ते नाल उठ के सिद्धू नूं जफ़ी भी पाई। उबलते दूध का उबाला रोकने वालो, सच्चाई को पुलंदे झूठ पे झोंकने वालो, मैं सूरज हूं अंधेरा चीर के हर रोज निकलूंगा, मुझे क्या रोक पाओगे उजाला। ठोको ठोको कमाल है, ठोको जिन्ने बंदे इत्थे बैठे है हीरे है, ऐतकी असी अपनी छैनी पत्थरां दे उत्ते नहीं, पत्थरां दे बेकार नहीं करनी, कंकड़ पत्थर ऐतकी हीरे तराशने, हीरे पंजाब च ओही आवाज है कि कोठे ते तोता बहन नहीं देना, जीजा साला रहन नहीं देना, ते अमृतसर झड उठी है
कोठे से तोता बहन नहीं देना, तस्कर साला रहन नहीं देना। उस साला सुखबीर दिया गिदड़ा फिरदा ग्रुप टुरिया कहिंदे सिद्धू शेर मारन सारे कठे होए आ चन्नी साहब हस लै पर ताली ठोक ठोक ना नारोक नारोक ठोक ए नवजोत सिंह सिद्धू है मित्रा। सिद्धू ने कहा कि इको एक साडा मुद्दा है पंजाब नू कर्जे चो कढ़ना, इनू किस तरह कढ़ना है, इहदे लई रोड मैप लागू करना पवेगा। तो रोड मैप राहुल गांधी ने पिछली वारी दे दिता सी, पंचायतां म्यूनसिपलां नू पूरी ताकत दिती। सिद्धू ने बादल ते भी निशाने साधे, प्रकाश सिंह बादल ते कहा कि वड्डा बादल सब दा बाप है, 10% सेवा 90% मेवा, पर असीं 170 सर्विसिज मुफ्त देवांगे, रेता 1000 रुपया देवांगे, 1000 नू ट्रालीए दावा किया। नवजोत सिंह सिद्धू ने यह भी चैलेंज किया कि पंजाब चो ਜਾਂ ਤਾਂ ਮਾਫੀਆ ਮਿਟੇਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਮਿਟੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਧੂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਆਸ਼ਿਕ ਹੈ। 1000 ਰੁਪਈਆ ਟਰਾਲੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਗਰੀਬ ਨੂੰ, ਰੇਤੇ ਦੀ 1000 ਰੁਪਈਆ ਠੋਕ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ, ਜਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਤੋਂ ਮਾਫੀਆ ਮਿਟੇਗਾ दर्शनी घोड़ा ना बना के रखियो। इस वारी कहिंदे मैं दर्शनी घोड़ा बनांगा भी नहीं, ते ए भी कह दिता कि राहुल गांधी का जो भी फैसला है मैं पहला ही मंजूर करके इत्थे आया। मेरे इश्क ने ना वोटां मंगियां पंजाब तों ना औदे मंगे, मेरे इश्क ने पंजाब दी भलाई मंगी, इस करके दर्शनी घोड़ा ना बना के सिद्धू नूं खड़ा करो ते मैं तुहाडी सेवा हर तरह की कर लूंगा, पर ऐत की सिद्धू दर्शनी घोड़ा नहीं बनेगा, रेस जिताउण वाला अरबी घोड़ा जे कमजोर भी हो जाए खोतियां दे अस्तबल नाल तकड़ा हुंदा। ते ऐतवार नूं राहुल गांधी दे पंजाब पहुंचण तों पहलां ही नवजोत सिंह सिद्धू ने ट्वीट करके भी इशारा दे दिता सी, ट्वीट किया सी कि बिना किसी फैसले दे कदे भी कुछ महान हासिल नहीं होया, पंजाब च साडे सब तों वड्डे लीडर राहुल जी दा हार्दिक स्वागत है, हर कोई उहनां दे फैसले दी पालना करेगा। ते हुण सुणदे आं पंजाब दे मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी नूं, जिन्हां नूं इक वारी फिर तों मुख्यमंत्री बनण दा मौका मिलिया है। जे कांग्रेस बहुमत दे विच जितदी है तां मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ही होणगे। मुख्यमंत्री का नाम ऐलाने जाने तो पहला चन्नी ने की कहा सी, ओ भी तुहानू दस दिंदे आ। सब तो पहला राहुल गांधी का धन्नवाद किया, सारे लीडरां का धन्नवाद किया, ते फिर नवजोत सिंह सिद्धू की खूब प्रशंसा की, कहिंदे सिद्धू जी तुहाडा दिन है, तुसी नेरी लिया दित्ती। सिद्धू दे जोशीले भाषण की प्रशंसा की चरणजीत सिंह चन्नी ने, अते कहा कि 111 दिन जो मैं मुख्यमंत्री वजो काम करन दा मौका मिले, उसी सारी टीम ने मिल के चंगा काम किया। पंजाब दे लोकां दे ओ मसले कहिंदे मैं हल किए ने जो मैं खुद गरीबी दे विच वेखे सी, किसानां दी गल भी की कि साडी पार्टी किसानां दे नां नाल खड़ी है। चन्नी ने आम आदमी पार्टी नूं खूब लपेटे दे विच लिया, कहा कि आम आदमी पार्टी वाले हर गल पिछे मेरा नाम ला दिंदे ने, पर मैं भरोसा दवाउंदा कि मेरे घर दे विच इक वी पैसा हराम दा आउंदा होवे। यह भी ऐलान किया चरणजीत सिंह चन्नी ने कि अज तो बाद मैं ये फैसला ले लिया कि मैं ते मेरी पत्नी असी अपने नाम ते ना कोई जायदाद खरीदांगे ना कोई व्यापार करांगे। अज तक किसी ने मेरे ते कोई दाग नहीं लाया, जे मैं गलत हुंदा तां कहिंदा मैनू कैप्टन अमरिंदर सिंह ने ही मार देना सी। 4.5 साल कहिंदे कैप्टन मेरे पिछे पिया रहा, उन्हें मेरी हर फाइल फरोल के वेखी, पर असी रल के कैप्टन नू लाया, राहुल गांधी नू अपीलां करके कैप्टन नू गद्दियों लाहिया कि यही पंजाब दा बेड़ा गर्क कर रहा है। अज 3 महीने वास्ते CM बनाया, अज तक कदे कोई दाग नहीं रहा, कोई कदे मेरे ते किसी ने इल्जाम नहीं लगाया। आ हुण आम आदमी वाले हर गल दे विच मेरा नाम ला देंदे है, कोई किसी दे होया होवे तां मेरे नाम दे नाल जोड़ देंदे है। इन्हां दी इह नीति है कि चोर चोर कही जाओ, लोग समझणगे पता नहीं चोर है। लेकिन मैं एक विश्वास दवाना चाहना तुहानू कि एक भी पैसा हराम होएगा मेरे घर कोई गलत आवे। और मैं अज विश्वास दवाना चाहुंदा कि अज ते बाद मेरे या मेरी वाइफ दे नाम ते कोई प्रॉपर्टी मैं ना खरीदागा ना कोई बिजनेस करागा ना कुछ करागा। चरणजीत सिंह चन्नी ने कैप्टन दी दारू दे उत्ते भी निशाने साधे ते नाल ही भगवंत मान नूं भी लपेटे दे विच लिया, ते अपनी ते सिद्धू दी तारीफ भी कीती, कहा कि कैप्टन दी तां पार्टी शुरू ही रहिंदी सी। दूसरा कहा कि सिद्धू ने कदे दारू नहीं पीती, सोफी बंदा है, बिल्कुल वैजीटेरियन है, तो कोई नशा नहीं किया, मैं भी कदे कोई नशा नहीं किया, दारू नहीं पीती, भगवंत मान नूं तुसीं किवें CM बना सकते हो, कहिंदे एक दारू पीण वाले बंदे नूं मुख्यमंत्री किवें बनाया जा सकता है। ये भगवंत मान तां प्रोक्सी है, गूठा लाउणा है उपर जो मर्जी लिख लवे, पता ही नहीं हुंदा क्योंकि कैप्टन की दुकान 4 बजे बंद हुंदी सी, अभी तो पार्टी शुरू हुई है,
ਇਹਦੀ 6 ਵਜੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਹੜੇ ਬਹੁਤਾ ਫਰਕ ਹੈ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਗੱਡੀ ਉਲਟ ਗਈ, ਸਾਰੇ ਸ਼ਰਾਬੀ ਨਿਕਲੇ ਵਿੱਚ ਤੇ। ਯਾਰ ਸਟੇਜ ਚਲਾਉਣੇ ਵਿੱਚ ਯਾਰ ਸਟੇਟ ਚਲਾਉਣ 'ਚ ਬੜਾ ਫਰਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ। ਕਈ ਗਾਉਣੇ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਪਊਆ ਲਾਏ ਬਿਨਾਂ ਸਟੇਜ ਪਰ ਚੜ੍ਹੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਆ ਸਿੱਧੂ ਹੈ, ਕਦੇ ਸ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦਾ, ਕਦੇ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਸ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਪੀਤੀ, ਕਦੇ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਦੇ ਕੋਈ ਐਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਸੰਜੀਦਾ ਬੰਦੇ ਦਾ ਲੋੜ ਹੈ, ਆਹ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਸੰਜੀਦਾ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਚਰਚਾ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਚੰਨੀ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਅਨਾਊਂਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਚੰਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਲਾਲੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੂੰ ਵੀ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ, ਤਾਂ ਸਭ ਨੇ ਲਤਾ ਮੰਗੇਸ਼ਕਰ ਨੂੰ ਫੁੱਲ ਭੇਂਟ ਕਰਕੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਅਤੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਕੁਰਸੀ 'ਤੇ ਬੈਠ ਗਏ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਬੈਠਣ ਦਾ ਰੌਂ ਸੀ, ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਲਾਲੀ ਸੀ, ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਮਾਯੂਸ ਸਨ ਅਤੇ ਪੂਰਾ ਸਮਾਂ ਉਹ ਪਰੇ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਗੜਬੜ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਸਭ ਕੁਛ ਠੀਕ ਨਿਕਲਿਆ। ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਵੀ ਦੋ ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਟੇਜ 'ਤੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟਾ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਦਾ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। 700 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹ ਗੱਲ ਨਾ ਸਮਝੇ ਕਿ ਤਿੰਨੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਥੈਲੀ ਦੇ ਚੱਟੇ ਬੱਟੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ 700 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਵਿਅਰਥ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਿਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਭੀੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ੁਲਮ ਸਹਿਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਉਨੇ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਕੇ ਆਪ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ 700 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਮਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਜਾਖੜ ਨੇ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਘਟਨਾ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਵਾਈ। ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਫੌਜਾਂ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਣ, ਜਰਨੈਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਲੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਜਰਨੈਲ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ। ਜਾਖੜ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਤਕਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੀ ਖੂਬ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ CM ਚਿਹਰਾ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕੁਛ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਰੈਲੀ ਦੌਰਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਸਿੱਧੂ ਜਾਂ ਚੰਨੀ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਦੋਨੇ ਬੇਕਾਰ ਨੇ, ਜਿਤਨਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਹਰਚਰਨ ਬੈਂਸ ਨੇ ਵੀ ਇਸ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ। ਹੈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਿਆਂ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਐਲਾਨਣ ਬਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਦਭੁਤ ਦੇਰੀ, ਸਸ਼ੋਪੰਜ ਅਤੇ ਨੌਟੰਕੀ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਲਿਤ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਿਰੋਧ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਬਟਾਲਾ ਤੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਛੋਟੇਪੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਵਾਲਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਸਿੱਧੂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਫੇਸ ਬਣੇ ਤਾਂ ਚੰਨੀ ਖਤਮ, ਜੇ ਚੰਨੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਿੱਧੂ ਖਤਮ। ਛੋਟੇਪੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵੋਟ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਦਾਦੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਣ। ਬੀਜੇਪੀ ਲੀਡਰ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਲੀਡਰ ਨੇ। ਪੁਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਗੱਠਜੋੜ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਿਹਰਾ ਜੋ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸੰਸਦੀ ਬੋਰਡ ਕਰੇਗਾ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਤਰੁਣ ਚੁੱਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲੀਡਰ ਨੂੰ CM ਐਲਾਨ ਦੇਵੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ। ਚੁੱਗ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਚੋਣ ਇੱਕ ਅਹੰਕਾਰ ਦੀ ਚੋਣ ਦੱਸਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਰਹੀ। ਅਤੇ ਉੱਧਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ CM ਚਿਹਰਾ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਰਿਵਾਜ਼ ਨਿਭਾਉਣ 'ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇੱਕ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਲੀਡਰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਾਰਟੂਨ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਜੀ 111 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ 10 ਕਰੋੜ ਕਮਾਏ ਰੇਤੇ ਤੋਂ, ਹੁਣ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਓ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅੱਗੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਅਬ ਪੈਸਾ ਹੀ ਪੈਸਾ ਹੋਗਾ। ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਜਾਣ ਤੱਕ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। UP ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਟਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਨਾਮ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ UP ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਲਈ ਚੌਥੇ
ब्रिगेड के प्रचार लिए स्टार प्रचारकों की सूची का ऐलान किया। मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी का नाम तो शामिल किया गया पर नवजोत सिंह सिद्धू का नाम गायब है। इस लिस्ट में राहुल गांधी का नाम भी शामिल है। प्रियंका गांधी, अशोक गहलोत, गुलाम नबी आजाद समेत होर कई लीडर के नाम शामिल ने पर नवजोत सिंह सिद्धू का नाम क्यों नहीं शामिल, यह एक सवाल जरूर है। पंजाब दे विच 20 फरवरी नूं वोटां पैणियां ने ते यूपी विच चौथे गेड़ दीआं वोटां 20 फरवरी तों बाद पैणगीआं। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा विच फिरोजपुर फेरी दौरान हुई कुताही एक वड्डी साजिश सी जिसका छेती ही पर्दाफाश होवेगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नूं जाण बुझ के अजिही थां ते रोकिआ गिआ जिथे उन्हां दी जान नूं खतरा सी। ऐतवार को सुप्रीम कोर्ट वालों गठित की गई जांच कमेटी फिरोजपुर पहुंची। इस दरमियान बीजेपी के कौमी जनरल सकत्र तरुण चुग ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा कुताही मामले की जांच लई सुप्रीम कोर्ट वालों गठित टीम फिरोजपुर पहुंची है। मुख्यमंत्री वालों रची साजिश का चेहरा बेनकाब होना चाहिए है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा नाल जानबुझ के खिलवाड़ किया गया। बीजेपी के लीडर इल्जाम ला रहे हैं चरणजीत सिंह चन्नी समेत पंजाब की कांग्रेस सरकार से। ऐतवार को साहिबजादा अजीत सिंह नगर मोहाली के इतिहासिक गुरुद्वारा अंब साहिब विखे पंथक इकट्ठ सद्या गया। सवेरे 11 बजे वख वख पंजाब दियां सिख जथेबंदियां नौजवान जथेबंदियां इत्थे पहुंचियां जिदे विच किसान जथेबंदियां भी शामिल सन। निहंग सिंह जथेबंदियां भी पहुंचियां जिस विच बंदी सिंघां दी रिहाई दा मसला विचारिया गया कि अगे हुण की करना है क्योंकि 11 जनवरी नूं जिहड़ा मार्च कढ़िया गया सी श्री फतेहगढ़ साहिब तों चंडीगढ़ तक उदों राजपाल ने भरोसा दवाया सी कि चंडीगढ़ दे दियां जेलां दे विच बंद जिहड़े 3 सिंघ हैगे ने उहनां नूं रिहा कर दित्ता जाऊगा पर कहिंदे राजपाल अपने वादे तों भज गए ने। केजरीवाल ने अड़ियल रवैया अपनाया होया इस करके भविख च की प्रोग्राम होना है उसके लिए पंथक इकट्ठ सद्या गया जिथे पहुंचे वक् वक् पंथक लीडर ने संगत नूं संबोधन किया। केजरीवाल एक टोटली ब्लफ है, ब्लफ मींस धोखा। केजरीवाल बड़े तरीके नाल सफाई नाल झूठ बोलन विच एक्सपर्ट है। मैं एक गल स्पष्ट करना चाहता, मेरे को सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस की मैं नॉलेज है कि केजरीवाल के अंडर ही सेंटेंस रिव्यू बोर्ड का गठन है। सेंटेंस रिव्यू बोर्ड ने ही ये बंदी सिंह की प्रोफेसर गुरिंदरपाल सिंह भुल्लर की रिहाई की गल नूं पास करना है। और मैं गल तुहाडे श्रोतियां नाल गल साझी कर रहा हाँ कि 3 मीटिंगां दे विच सेंटेंस रिव्यू बोर्ड केजरीवाल की सरकार ने इन्हां नूं रिजैक्ट किया। रिजैक्ट करके रिमार्क्स पता कि लिखे ने, रिमार्क्स लिखे ने प्रोफेसर गुरिंदरपाल सिंह भुल्लर किसी एंटी नैशनल टैरोरिस्ट यह गल की। मैं गल कहना चाहता प्रोफेसर गुरिंदरपाल सिंह भुल्लर टैरोरिस्ट नहीं है। अगली खबर उस मशहूर हस्ती दे नाल जुड़ी हुई है जिन्हां दी आवाज़ शायद रहिंदी दुनिया तक अमर रहेगी। भारत दी कोयल अते भारत दी मशहूर गायिका लता मंगेशकर इस दुनिया ते नहीं रही। लता मंगेशकर दा ऐतवार नूं देहांत हो गया। केंद्रीय ट्रांसपोर्ट मंत्री नितिन गडकरी ने ट्वीट करके उन्हां दे देहांत बारे जानकारी दित्ती। 92 साल दी उम्र दे विच उन्होंने आखिरी सांस लए ने। लता मंगेशकर पिछले काफ़ी समय तो जेरे इलाज सन। एक दिन पहला उन्हां दी सेहत मुड़ तो काफ़ी खराब हो गई सी, वेंटिलेटर ते पाया गया सी। लता मंगेशकर ने मुंबई दे ब्रिज कैंडी हस्पताल दे विच आखिरी सांस लई। लता दे देहांत नाल बॉलीवुड समेत पूरी दुनिया दे विच सोग दी लहर दौड़ी। लता जी करीब 1 महीने तो बीमार सन। 8 जनवरी नूं कोरोना पॉजिटिव होण तो बाद मुंबई दे ब्रिज कैंडी हस्पताल दे विच उन्हां नूं भर्ती करवाया गया सी। कोरोना दे नाल नाल उन्हां नूं निमोनिया भी हो गया सी। महाराष्ट्र दे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने लता मंगेशकर दा अंतिम संस्कार सरकारी सन्माना दे नाल करन दा ऐलान कीता। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अते होरना सियासी शख्सियतां अते बॉलीवुड जगत ने लता मंगेशकर दे अकाल चलाने ते दुख दा प्रगटावा कीता। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मैं इसनूं अपना सन्मान समझदा कि मैनूं लता दीदी तों हमेशा अथाह स्नेह मिलिया। उन्हां नाल मेरी गलबात अभुल होवेगी। मैं लता दीदी की मौत ते अपने साथी भारतीयां दे नाल सोग प्रगटाउंदा। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने कहा कि लता मंगेशकर जी दे देहांत दी दुखद खबर हासिल होई है। कई दहाकियां तक ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿਆਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣੇ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਨਹਿਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਮਰ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਗੂੰਜਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਦੋਸਤਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗਹਿਰਾ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹਸਤੀਆਂ ਨੇ ਲਤਾ ਜੀ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ ਤੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ। ਲਤਾ ਮੰਗੇਸ਼ਕਰ ਦਾ ਜਨਮ 28 ਸਤੰਬਰ 1929 ਨੂੰ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਇੰਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ
मध वर्गी मराठा परिवार दे विच होया सी। भारत रत्न पुरस्कार जेतू लता मंगेशकर ने 1942 विच बॉलीवुड विच अपने करियर की शुरुआत की थी। इस दे नाल ही लता मंगेशकर ने 20 भाषावां विच 30,000 तो वध गीतां नूं अपनी आवाज दिती। उन्हां नूं देश दे कई वकारी सन्मानां दे नाल सन्मानित किया जा चुका है। उन्हां नूं 3 वारी दादा साहिब फालके पुरस्कार नाल भी सन्मानित किया गया। 2011 दे विच उन्हां दे वडमुल्ले योगदान दे लई सर्वोच्च नागरिक सन्मान भारत रत्न दे नाल भी सन्मानित किया गया। लता मंगेशकर नूं क्रिकेट देखण दा भी बहुत शौक सी। लता मंगेशकर दी आवाज़ नूं सुन के सचमुच इह लगदा सी कि उन्हां नूं परमात्मा दा विलखण तोहफा मिलिया होया। लता मंगेशकर दे देहांत ते 2 दिनां दे कौमी सोग दा ऐलान किया गया है। इस दौरान कौमी झंडा भी कहिंदे अद्धा झुकिया रहेगा। उत्तर प्रदेश विधानसभा चोणां दे लई बीजेपी दे लोक कल्याण संकल्प पत्र दा रिलीज़ समागम भी लता मंगेशकर दी मौत कारण मुलतवी किया गया है। अगली खबर है, श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने यूके दी गृह सकत्तर प्रीति पटेल दे वल्लों सिखां विरुद्ध कीती गई टिप्पणी नूं लैके ब्रिटिश हाई कमिशन नूं चिट्ठी लिखी गई है। एसजीपीसी प्रधान एडवोकेट हरजिंदर सिंह धामी ने चिट्ठी लिख के प्रीति पटेल दे वल्लों सिख भाईचारे खिलाफ कीती बयानबाजी दे लई माफी मंगण अते इस बेबुनियाद बयान नूं वापस लैण दी मांग कीती है। उन्हां कहा कि गृह सकत्तर पटेल सिख कौम नूं ठेस पहुंचाउण वालियां हरकतां करके सिख समाज दे विरुद्ध बेबुनियाद दावे कर रही है। दरअसल प्रीति पटेल ने 19 नवंबर 2021 नूं वाशिंगटन डीसी दे हैरीटेज फाउंडेशन दे विच अपने संबोधन दौरान सिखां दे विरुद्ध बयान दिता सी जिहड़ा हुण सामने आया है। प्रीति पटेल ने कहा सी कि सिख वक्खवादी कट्टरपंथियां ने भी हाल ही दे सालां विच काफ़ी तनाव पैदा किया। धामी ने कहा कि प्रीति पटेल का संबोधन सिख कौम के अक्स नूं भारी ठेस पहुंचाउण वाला है क्योंकि यूके विच तां सिखां दा सकारात्मक योगदान पाउण दा लंबा इतिहास है। कोविड-19 महामारी दौरान यूके समेत दुनिया भर के सिख भाईचारे ने मनुखता दे कम्मां दे विच वड्डा योगदान पाया। अगली खबर मोगा तो है, जिथे थाणा मैणा अधीन पिंड रामूवाला कलां दे विच एक प्यो ने ऐतवार तड़के तड़के अपने सुत्ते पए नाबालिग धी ते पुत दे सिर विच हथौड़े दे नाल वार करके उन्हां नूं गंभीर जख्मी कर दिता ते आप खुदकुशी कर ली। दोवां बच्चियां नूं गंभीर हालत विच हस्पताल विच दाखल करवाया गया जिथे दोवां दी हालत गंभीर बनी हुई है। अपने बच्चियां नूं जख्मी करन तों बाद प्यो ने खेत जाके हाई पावर बिजली दे खंभे नाल लटक के खुदकुशी कर ली। जानकारी मिली है कि पिंड रामूवाला कलां दे रहण वाले लाल सिंह दे पिता चूड सिंह दी कुछ दिन पहलां ही मौत हुई सी। 3 दिन पहलां ही अंतिम अरदास ते पाठ दा भोग पिया सी। पिंड दे साबका सरपंच बलविंदर सिंह दे दसन मुताबिक पिता दी मौत तों बाद लाल सिंह तणा दे विच सी। उहदे हिस्से करीब 3 एकड़ जमीन आउंदी सी, कर्जे दी भी देनदारी सी। ऐतवार तड़कसारी उन्हें अपनी पत्नी नूं चाह बनाउण लई कहा, पत्नी बाथरूम चली गई। उस तों बाद लाल सिंह ने बैड ते सुत्ते अपने करीब 8 वरियां दी धी ते 6 वरियां दे पुत दे सिर विच हथौड़े मार के उन्हां नूं गंभीर जख्मी कर दिता। बाद विच खेत चला गया ते बिजली दे खंभे नाल लटके खुदकुशी कर ली। पुलिस ने भी दस्सिया कि मुढली जांच विच ही सामने आया कि लाल सिंह तणा दे विच सी, बाकी जांच कीती जा रही है। पंजाब दीआं खास खबरां दे खास बुलेटिन दे विच तुहाडे सब तों इजाजत चाहुंदे हां, धन्नवाद।